नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से राजकोट गुजरात तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली से राजकोट गुजरात तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली से राजकोट तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन सभी ट्रेनों के डिटेल के बारे में बात करेंगे। डिटेल में बात करेंगे उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर के बारे में, जानेंगे दिल्ली के कौन से स्टेशन से वो कौन से प्लेटफॉर्म से कितने बजे रवाना होती है और राजकोट के कौन से प्लेटफॉर्म पर कितने बजे वो ट्रेन जो है पहुँचती है। दिल्ली से राजकोट की दूरी जो है कितनी देरी में कवर करती है और उस ट्रेन के कितने स्टेशन हैं, कौन कौन से दिन वो ट्रेन जो है दिल्ली से राजकोट के लिए चलती है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं, कितना डिस्टेंस कवर करती है, एवरेज स्पीड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस रूट पर दो मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन चलती है और चार सुपरफास्ट ट्रेन चलती हैं, जिनमें से सबसे फास्टेस्ट ट्रेन तो उत्तरांचल एक्सप्रेस है और सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस ट्रेन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं दिल्ली से राजकोट गुजरात तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। दिल्ली से राजकोट के बीच में जो सबसे पहली ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है दिल्ली सराय रोहिला पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि ICF कोचेस वाली ट्रेन है। हर मंडे और थर्सडे को सुबह 8:10 एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 19:27 बाद ये ट्रेन जो है राजकोट में रात के 3:37 एक नंबर प्लेटफॉर्म पे अगले दिन पहुंचती है। इसके तकरीबन 25 स्टेशन हैं। इसका ट्रेन नंबर है 20938, 1160 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ICF कोचेज वाली ट्रेन है। पेंट्री कार का कोच भी शामिल है इसमें। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन इस रूट पर चलती है, जो कि सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है इस रूट पर कह सकते हैं, जिसका नाम है मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 19270। पुरानी दिल्ली स्टेशन से हर सोमवार और मंगलवार को 1:05 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 19:40 बाद अगले दिन राजकोट जंक्शन में सुबह 8:45 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन से 1164 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ICF कोचेज वाली ट्रेन है। पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है दिल्ली सराय रोहिला राजकोट वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 20914। ये जो ट्रेन है दिल्ली सराय रोहिला से हर शुक्रवार को 1:20 पर तीन नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 19:15 बाद राजकोट जंक्शन में अगले दिन सुबह 8:35 पर दो नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 24 स्टेशन से 1107 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 58 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। LHB कोचेज वाली ट्रेन है। फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके बाद जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है उत्तरांचल एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 19566। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से हर रोज़ 1:25 पर 13 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 18:37 बाद राजकोट जंक्शन में सुबह 8:05 अगले दिन 8:02 पर अगले दिन एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और इसके तकरीबन 20 स्टेशन हैं। 1113 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। इसका ट्रेन नंबर है 19566। ये जो ट्रेन है इसमें सेकेंड AC, थर्ड AC, इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और LHB कोचेस वाली ट्रेन है। जनरल डिब्बों के 3 कोच हैं, स्लीपर क्लास के 6 कोच हैं, 4 कोच थर्ड AC इकॉनमी के हैं, 1 सेकंड AC का कोच भी इसमें शामिल है। इसके बाद नई दिल्ली से राजकोट तक चलने वाली जो अगली ट्रेन इस रूट पर है उसका नाम है न्यू दिल्ली वैष्णो देवी कटरा हापा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि हर सोमवार को 9:40 पर 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 19:07 बाद ये ट्रेन जो है राजकोट जंक्शन में अगले दिन शाम के 4:47 पर मंगलवार को 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है राजकोट जंक्शन में और उसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं। 1328 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 70 किलोमीटर पर आवर है और सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, थर्ड AC इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद नई दिल्ली से राजकोट के बीच में चलने वाली जो आखिरी ट्रेन इस रूट पर चलती है उसका नाम है श्री माता वैष्णो देवी कटरा जामनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि हर इतवार को 9:40 पर 8 नंबर प्लेटफॉर्म से नई दिल्ली से रवाना होती है
और 19 घंटे 7 मिनट बाद अगले दिन शाम के 4:47 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 22 स्टेशन हैं, 1328 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 70 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट ए सी, सेकेंड ए सी, थर्ड ए सी, थर्ड ए सी इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जर्नल डिब्बे हैं और LHB कोचेस वाली ट्रेन है और इसका ट्रेन नंबर है 12478। तो दोस्तों इसी के साथ नई दिल्ली से राजकोट तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अन्य वीडियोज़ बनाता रहूं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।